मेहता का उल्टा चश्मा। आत्माराम, आत्माराम, नेता साहब, गेट अलार्म जल्दी से आओ, सोनी जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। चाचा जी, क्या हुआ ये? चाचा जी नीचे आइए, सब गड़बड़ हो गया। हाँ, आता हूँ, आता हूँ। क्या प्रॉब्लम है? सबको आने दो, बताता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बताता हूँ। आयर, क्या हुआ? आयर ब्रो, हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? गजब हो गया। अरे वो क्या हुआ? क्या गजब क्या हुआ? मेहता साहब पोपड़लाल गोकुल निजाम सोसाइटी छोड़कर चला गया। क्या? क्या? What? किधर चला गया? अभी किधर गया वो तो मालूम नहीं, लेकिन ये चिट्ठी छोड़ कर गया है। मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, आप सबको मैंने बहुत परेशान किया है। मेरी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुई है। अब मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आप सबसे दूर जा रहा हूं। मेरी चिंता मत करना, आपका अपना पोपड़लाल। वीणा, तू कह रहा था तेरा और उसके बीच में सब सुलह हो गई थी, तो सुलह हो गई थी ना सच में? हाँ हाँ, बिल्कुल सुलह हो गई थी जेठालाल। हाँ। तो फिर ये गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के गया क्यों? क्योंकि उस डिब्बे में अक्कल ही नहीं। बेवकूफ कहीं का कहता है मैंने आप सबको परेशान किया। अरे अपनों को कभी अपनों से परेशानी होती है भला? तो सोसाइटी छोड़ के चला। फोन लगा, कोई फोन लगा उसे, मैं बात करता हूँ। चाचा जी, मैंने फोन किया था पर उसका फोन बंद आ रहा है। कब? अभी थोड़ी देर पहले, अब्दुल की दुकान से। हाँ तो फिर से लगा जी। आपके द्वारा किया गया नंबर। चाचा जी, फोन तो अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब इस डिब्बे को कहाँ ढूंढने हम? चाचा जी आप टेंशन मत लीजिए, कोशिश करते हैं ढूंढने की, कहाँ गया होगा। अब्दुल, तुमने पोपटलाल को सोसाइटी से बाहर जाते देखा क्या? नहीं। तुम सारा समय दुकान पर ही थे? नहीं, बीच में डिलीवरी के लिए बाहर गया था। ओहो, लगता है शायद तभी निकल गया होगा पोपटलाल, देखा ही नहीं इसने। बाप रे, अभी पोपट भौजी को कहाँ ढूंढेंगे? गोकुलधाम सोसाइटी यही है ना? हाँ। ये भिड़े सर कहाँ रहते हैं? जी मैं हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े, बोलिए। जी मेरा नाम रमेश चंद्र है और ये मेरा बेटा रौनक है, मैं भी एक शिक्षक हूँ। अच्छा अच्छा, बोलिए। हम आपको सॉरी बोलने आए। सॉरी? पर आप क्यों मुझे सॉरी बोल रहे हैं? मैं तो आपको जानता भी नहीं। सर बताता हूँ, ये रौनक हमें बिना बताए घर से बाहर खेलने के लिए चला गया और रास्ते में आपके स्कूटर के साथ इसका एक्सीडेंट होते होते बच गया था। अरे सकरम के दो टुकड़े कैसे हुए ये बताओ। वो मैं थोड़ा परेशान था, मेरा दिमाग खराब हो गया था और उसमें बार बार तेरे फोन आ रहे थे और उतने में पता नहीं कहां से अचानक एक बच्चा बीच में आ गया। मतलब पोपटलाल सच बोल रहा था? रौनक बहुत डर गया था सर, उसने घर पर आकर मुझे सब बताया और इसने मुझे ये भी बताया कि इसको बचाने के चक्कर में स्कूटर टकरा गया था और स्कूटर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मैंने इससे कहा कि देख, तेरी गलती की वजह से किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, हमें उनको सॉरी बोलना चाहिए। इसलिए मैं उस जगह पर गया तो मुझे मालूम हुआ कि वो पीला स्कूटर भिड़े सर का था और भिड़े सर गोकुलधाम में रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ आया। थैंक यू भिड़े सर, मेरे बेटे रौनक की जान बचाने के लिए। रमेश जी, वो स्कूटर भले ही मेरा है लेकिन आपके बेटे की जान मैंने नहीं, पोपटलाल ने बचाई है। मेरा दोस्त पोपटलाल, दरअसल वो किसी काम से मेरे स्कूटर को लेके गया था। तो कहाँ मिलेंगे पोपटलाल जी? देखिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, उन्होंने खुद को मुश्किल में डालकर मेरे बेटे की जान बचाई। दरअसल पोपटलाल अभी यहाँ पे है नहीं, वो कहीं बाहर गया है। भिड़े सर प्लीज, जब भी वो आए तो मेरी तरफ से उन्हें
थैंक्स जरूर बोलिएगा। और हाँ, हमारी वजह से आपके स्कूटर को जो भी नुकसान हुआ है उसका खर्चा मैं दे दूंगा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है रमेश जी, आपने इतना सोचा यही बहुत है। थैंक यू। थैंक यू भिड़े सर, अब हम चलते हैं। और एक बार फिर से रौनक की तरफ से सॉरी। सॉरी अंकल। इट्स ओके बेटा। ओ यारो, वो देखा अपने पप्पू ने कितना अच्छा काम किया। वो पोपटलाल जी कहाँ रहते हैं? मेरे ऊपर। मतलब मैं सी विंग में फर्स्ट फ्लोर पर रहता है और पोपटलाल मेरे ऊपर सेकंड फ्लोर पर रहता है। थैंक यू अंकल। एक मिनट, पोपटलाल रहते वही हैं लेकिन इस वक्त वो घर पर नहीं है। कुछ काम था आप लोगों को? जी हमारी बेटी है उमा। ओए पप्पू, ओए पप्पू किथे रह गया तू? वो लड़की वाले खुद अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। अरे भाई साहब, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, हमारी बेटी की शादी हो गई है। हैं? तो फिर पप्पू से क्या काम है? दरअसल हम उन्हें थैंक यू कहना चाहते हैं। क्यों? पोपटलाल जी हमारी बेटी के घर अचार पापड़ की डिलीवरी देने गए थे। वो उमा ताई? अच्छा, आप उमा ताई के पेरेंट्स हैं? हाँ। जी मैं आत्मानंद तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी। अच्छा, आप हमारी बेटी को जानते हैं? हाँ, वो अचार पापड़ हमसे ही खरीदते हैं। पर आप लोग यहाँ अभी? हाँ, आप लोग यहाँ? हाँ भिड़े जी, वो हमारा दामाद है ना विवेक, वो हमारी बेटी पे बहुत दादागिरी करता था, बहुत परेशान करता था, मगर हमारी बेटी कभी भी कुछ नहीं कहती थी। उसका हर जुल्म सहती थी फिर भी कुछ नहीं बोलती थी। हाँ, बात जब बहुत बढ़ जाती थी तभी हमें पता चलता था। मैं वहां गया तो उमा ताई और उनके पति के बीच में झगड़ा चल रहा था, और हम तीनों में तो कभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ जाकर कभी आवाज उठा सके। और वो हिम्मत पोपटलाल जी ने दिखाई। पोपटलाल जी ने वीडियो बनाकर पुलिस को भेजा और पुलिस ने वहां जाकर विवेक को बराबर सबक सिखाया। वो इतना डर गया है कि कभी भी हमारी बेटी का अपमान नहीं करेगा, उसे कभी परेशान नहीं करेगा। हम तो ना कर पाए, वो एक अजनबी आदमी ने इंसानियत के नाते कर दिखाया। और इसीलिए हम उनको धन्यवाद कहने आए हैं। आप जरूर उनको बता देना कि हम उनसे मिलने आए थे। दरअसल बात यह है कि पोपटलाल जी किसी को बिना बताए चले गए और हमें पता नहीं कि वो कब वापस आएंगे। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो जहां कहीं भी हो सलामत हो। चलो हम चलते हैं। थैंक यू। पोपट भाई ने कितना अच्छा काम किया है। पोपट भाई ने दिखा दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। पोपटलाल भाई किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकते। सही बात है कोमल, पोपटलाल खुद कितनी तकलीफ में था पर हम लोगों को तकलीफ ना हो इसलिए यहां से चला गया। पोपटलाल ने तो अच्छा ही काम किया था, मैंने बिना वजह उसे बहुत सुनाया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। पोपट भौजी वापस आएंगे तो हम लोग अचार पापड़ के बिजनेस में उन्हें वापस रख लेंगे। लेकिन यारो, अपना पप्पू गया कहाँ होगा? कहीं वो अपने गांव तो नहीं चला गया होगा? हाँ हो सकता है, पर भिड़े तेरे पास उसका गांव का कोई नंबर है? नहीं। तो उनके कोई भी रिलेटिव का नंबर है? हम उनको फोन करके पूछ सकते हैं। हाँ हाँ। नहीं बबीता जी, मेरे पास कोई नंबर नहीं है। वैसे आज तक हमने उसके किसी भी रिश्तेदार को नहीं देखा। तो अब हम पोपटलाल भाई को ढूंढेंगे कैसे?
ओ यारो मैं गड्डी निकालता हूँ, हम सब चलकर पोपो को ढूंढते हैं। सही बात है टप्पू, चल हम लोग भी साइकिल निकालते हैं और पोपो डंगल को ढूंढते हैं। एक मिनट गोगी, एक मिनट रुक जा भाई, क्या साइकिल निकालता हूँ क्या गाड़ी निकालता हूँ, रुक भाई छोड़ी। पोपटलाल को रास्ता थोड़ी भूल गया कि मुझे ढूंढ के ले आएंगे, हमें क्या पता वो कहाँ गया है। सॉरी पोपटलाल कब और कितने बजे बाहर गया किसी को कुछ मालूम नहीं है, मेरे ख्याल से तो वो मुंबई के बाहर चला गया होगा, अभी हम उसको कहाँ ढूंढेंगे। हम सबको शांत दिमाग से सोचना चाहिए कि पोपटलाल भाई कहाँ जा सकते हैं। वही तो रास्ता होगा उसे ढूंढने का। मत सब रास्ता है जा। पुलिस कंप्लेन। नहीं जेठालाल, नहीं कर सकते हम पुलिस कंप्लेन। अरे किसी आदमी की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करने जाओ तो पुलिस भी कहती है भाई 24 घंटे तक हम मिसिंग कंप्लेन दर्ज नहीं करेंगे। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ मेहता साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम पुलिस को ऐसा बोले कि पोपटलाल ने गोकुलधाम सोसाइटी में चोरी की है और चोरी करके भाग गया है, तब तो पुलिस को उसको तुरंत ढूंढना पड़ेगा ना। ओ जेठालाल तुम क्या बोलते हो, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना। अरे पोपटलाल हमारा फ्रेंड है, हमारा दोस्त है, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाएंगे। हाँ जेठिया, हम झूठी फरियाद नहीं लिखवा सकते। हाँ जेठालाल, झूठी कंप्लेन दर्ज कराना तो एक अपराध है भाई, हम कैसे अपराधी हो सकते हैं, खुद ही हमें जेल में डाल देगी पुलिस। नहीं 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 जेठालाल, मैं आत्मा राम तुकार मेरे गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेरे सेक्रेटरी होने के नाते इसकी परमिशन मैं तुम्हें नहीं दे सकता। देखो जेठालाल क्या है, अरे एक मिनट, मैं जो कह रहा हूँ जरा शांति से सोचो भाई। अभी हमको पोपटलाल का ना कुछ आता है ना पता है, बराबर ना ही उसका किसी रिश्तेदार के बारे में हमको कुछ पता है, तो उसको ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। तो उसको ढूंढने के लिए थोड़ा रिक्स तो उठाना पड़ेगा ना। आई थिंक चिठा जी इज राइट। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। हाँ मुझे भी जेठा भाई की बात सही लग रही है। अरे पोपट भाई कहाँ है, किस हालत में है, क्या पता। हाँ मुझे तो लगता है हमें कुछ भी करके उन्हें ढूंढना चाहिए बस। ये तो राइट्स। हाँ और पापा के आइडिया में दम है, ये सिचुएशन हम सबके लिए चेक एंड मेट वाली सिचुएशन है, तो हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ओ जेठाप्रा, अगर पोपू के लिए जेल भी जाना पड़ा ना तो कोई गल नहीं है। शाबाश शाबाश छोटे शाबाश, ये हुई ना कुछ बात, क्या बोलते हैं मेहता साहब। नहीं मुझे लगता है जेठालाल तुम्हारी बात में दम है, यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से अच्छा तो हम पुलिस की मदद लें। हमारा तरीका हो सकता है कि पूरा सही नहीं हो, लेकिन मकसद गलत नहीं है हमारा। सही बात है। हाँ हाँ जेठा, तू पांडे बेटे को फोन लगा। हाँ ओके बाबू, थैंक यू। हाँ जेठा तुम फोन लगाओ और स्पीकर पे रखना। हाँ थैंक यू। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे हियर। हाँ चालू जी, पांडे जी मैं गोकुलधाम सोसाइटी से जेठालाल बोल रहा हूँ। रॉन्ग नंबर। अरे 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 चालू जी कमाल है पांडे जी, अभी आप खुद बोल रहे हैं चालू पांडे हेयर और अभी बोल रहे हैं रॉन्ग नंबर। अरे यार हाँ बोलो क्या है। हाँ चालू जी, पांडे जी एक कंप्लेंट करनी है। क्यों? क्योंकि पांडे साहब एक प्रॉब्लम हो गया है। ये कौन बोला अभी? मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ पांडे साहब, तारक मेहता। क्या प्रॉब्लम हो गई है? गोकुलधाम सोसाइटी में चोरी हो गई है। What? और वो चोरी पत्रकार पोपटलाल ने की है। चोरी पत्रकार पोपटलाल ने की है? हाँ हाँ हाँ। आर यू श्योर ये चोरी पत्रकार पोपटलाल ने की है जेठालाल? चोरी पत्रकार पोपटलाल ने की है, और सिर्फ चोरी नहीं की, वो चोरी करके यहाँ से भाग गया है। ओह माय गॉड, I can't believe this, जेठालाल।
एक पत्रकार होकर वो चोरी कैसे कर सकता है? वो दरअसल बात यह है कि हाल ही में उसकी नौकरी चली गई है। ओ, जेठालाल, इस कोरोना ने कई लोगों को चोर बना दिया है। वैसे चोरी किसके घर हुई है? अय्यर भाई के घर पे। जेठालाल? क्या जेठालाल, अरे भाई जो जो सच है वो सब बताना पड़ेगा ना चालू पांडे जी को, तभी तो वो पोपटलाल को पकड़ के मतलब ढूंढ के यहाँ हमारे पास ले आएंगे ना, बराबर ना चालू जा पांडे जी? हाँ बराबर है, पर ये बताओ कि पोपटलाल गायब कब से? शायद दोपहर से पांडे साहब। शायद? हाँ शायद, क्योंकि दोपहर के बाद से किसी ने पोपटलाल को देखा नहीं है तो पक्का कह नहीं सकते। ठीक है मैं आता हूँ, चलो। कहाँ? अरे गोकुलधाम सोसाइटी में, और कहाँ? क्यों? अरे क्यों क्या, मुझे मौका है वारदात में पहुंच कर तहकीकात तो करनी पड़ेगी ना। चलो पहुंचता हूँ थोड़ी देर में। जेठालाल, अरे ये क्या किया तुमने? अभी वो इंस्पेक्टर चालू पांडे यहाँ पर आएंगे और मेरे को पूछेंगे कि क्या क्या चोरी हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा? बोल देना ना कुछ भी। क्या बोलते हैं मेहता साहब? हाँ कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो यार, कुछ भी बोल दो। अरे क्या मेहता साहब, क्या कुछ भी बोल देना, मैं झूठ नहीं बोलेगा। ओए अय्यर प्रा, अगर पप्पू को ढूंढना है तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन जेठालाल, तुमने ऐसा क्यों बोला कि मेरे घर पर चोरी हुआ है? ऐसा भी तो बोल सकते थे कि मेरे घर पर चोरी हुआ है। तो मैं वही तो बोला कि आपके घर पर चोरी हुई है। अरे मेरा घर मतलब तुम्हारा घर? अच्छा, अरे क्या? नहीं नहीं, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता था यार भाई, अगर मैं ऐसा बोलता तो चालू जी पांडे जी को मुझ पे शक हो जाता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। कैसे? अरे कैसे क्या, पोपटलाल सी विंग से चेक बी विंग में मेरे घर पे चोरी करने क्यों आता? आपका घर तो उसको रास्ते में ही पड़ता है ना। वो क्या नीचे उतरते उतरते पहले माले पे आपका घर आया, उसने चोरी की और निकल गया। और एक बात, सी विंग से बाहर भागने का रास्ता भी नजदीक है, तो वो आपके घर पे ही चोरी करेगा, बराबर ना मेहता साहब? हाँ मतलब। क्या मतलब क्या? नहीं नहीं, हाँ टेक्निकली ठीक है, बिल्कुल सही है, मतलब बिल्कुल सही है। हाँ अरे क्या सही है मेहता साहब, अभी झूठा कंप्लेंट करने में मैं फंस जाएगा। क्या अय्यर भाई, यहाँ सोडी पोपटलाल के लिए जेल जाने को तैयार है, आप एक छोटा सा झूठ नहीं बोल सकते? अय्यर तुम चिंता मत करो, हम पुलिस को यही बताएंगे कि ये सब हमने मिलकर किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अय्यर बेटा, तू चिंता मत कर है? तुझे अकेले को हम नहीं फंसने देंगे है? और तू ये क्यों बोल रहा है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो पोपटलाल मिल जाए इसके लिए कर रहे हैं? हाँ अय्यर, मिस्टर अय्यर किधर है? हाँ ए जेठालाल, तुमने कंप्लेंट की थी ना कि अय्यर के घर पे चोरी हुई है, जेठालाल वो अय्यर किधर है? वो अभी अभी यहीं थे। अय्यर कहाँ वो? यहीं थे मतलब क्या वो भी चोरी हो गए? अरे नहीं नहीं पांडे जी, वो इतने ही है। वो अय्यर प्राप्त वो इतने पांडे जी आए। अय्यर तुम इस तरह घबरा क्यों रहे हो, ऐसा लग रहा है चोरी तुमने ही की है। नहीं वो पांडे साहब, चोरी हुई है ना अय्यर के घर से, थोड़ा घबरा गया है। ओ रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर अय्यर, एंड पुलिस इज नियर, नो नीड टू फियर, इज दैट क्लियर? ठंड के मौसम में गर्मी, या यूं कहे जैसे घुड़सवारी ना आती हो, घोड़े पे खड़ा हो जाए, दोनों हाथ खोल ले फिर घुड़सवारी करे तो क्या हाल होगा, यही हुआ हम गोकुलधाम निवासियों के साथ। भाई पोपटलाल गायब क्या हुआ, हम लोगों ने टेंशन में आके जज्बात में आके इंस्पेक्टर चालू पांडे को ये झूठी रिपोर्ट कर दी, ये झूठी शिकायत कर दी कि पोपटलाल चोरी करके भाग गया। अब क्या होगा जब इस सच पे से पर्दा उठेगा, तब कहीं एक दर्द की दवा हमारे लिए कोई दूसरा दर्द न ले आए। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि पोपटलाल है कहाँ, गया कहाँ है, किस हाल में होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और हमारा क्या हाल होगा।
कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भाई पोपटलाल बाहर गया और हम लोग इस चक्कर में हवालात के अंदर हो जाएं। ये तो मैं नहीं जानता इस वक्त कि क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर तय है कि हमारी एक मुसीबत खत्म हुई नहीं कि हमने दूसरी मुसीबत फ्री में उधार मांग ली है और हमें मिल भी गई है। और ठीक उसी तरह आपके लिए एक मनोरंजन के साथ दूसरी हंसी फ्री होगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जैसा कि आप लोगों ने कंप्लेंट किया था कि अय्यर के घर चोरी हुई है, वो चोर इस शहर को छोड़कर भागने के फिराक में था। यसिनो, मुंबई पुलिस ऑलवेज अलर्ट, हमने उसे घर दबोचा है। पाटिल, गेट हिम। सर, पाटिल तो छुट्टी पे है। तुम तो हो ना, ले आओ उसे। किसको? पाटिल को? अरे पाटिल को नहीं, उस अपराधी को। ओके ओके सर, सॉरी। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।